परमार्थ का मार्ग चलाउण वास्ते परमेश्वर ने जुगो जुग अपनी खेल की। परमात्मा की खेल है की है? एक सत का रूप, सत की विवस्था, सत की मर्यादा। पुरखे अकाल ने मात लोक विच अपना प्रगटावा किया। प्रगटावा करन तो बाद भगत भगवान की मर्यादा नू मात लोक दे विच लागू कर दिता। अजिहे रूप विच सरभर संगत जी, इस तो पहला कदी किसी ने भगवान नू साखात देखिया ही नहीं सी। परमात्मा दा साखात दर्शन करना, परमात्मा दे चरणा दे उपर नमस्कार करनी, ये समा उदो सुहावना हुंदा जदों खुद मालक धरती ते आके अपनी खेल करे। जिन्ना चिर परमात्मा आप आके मात लोक दे विच भगतां नू माण नहीं दिंदे, उन्ना चिर कोई भगत बन सकदा नहीं सी। परमेश्वर ने मान दिता भगतां नू, भगत भगवान की मर्यादा नू मात लोक विच लागू कर दिता। एक अजिहे रूप विच जिथे परमात्मा ने तुहाडे सिफती टोले हर बाणी दे रूप विच चवी ग्रंथां दे विच कर दिते, उथे जीव जां भगत आत्मा जां गुरसिख अपने परमात्मा दी सिफत नहीं कर सकदा। की सिफत करेगा कोई भी जीव जां भगत अपने पार ब्रह्म दी? पार ब्रह्म सारियां सिफतां तो बाहर है, किसे कोल कोई अल्फाज है ही नहीं कि वह अपने परमेश्वर दी वड्याई कर सके। सरभर संगत जी, परमेश्वर ने वो मार्ग दिता जो साडे जीवन दी सही रूप विच एक वो जाच है जिसका संदेश परमात्मा ने आप दिता। भगतां नू मात लोक विच आके निवाजिया, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दा जयकारा। परमेश्वर ने आप तुहानू मात लोक विच आके एक ऐसे रूप विच दिता कि गुरसिख दी अंतर आत्मा विच एक अजिहा रूप होवे जिथे सिर्फ भगवान दा ही वास होवे। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा नू सोहंग दा रूप दे दिता। तू मेरा ते मैं तेरा, जे मतलब समझ लो सोहंग जाप दा, तुहाडा मेरा फर्क रहे ना राइया। सरभर संगत जी, यही गल समझन दी लोड़ है जदों जीव दी अंतर आत्मा विच उस ते प्रभु दा वास हो जाए, जदों जीव श्वास श्वास अपने प्रभु दे चरणा दा ऋणी हो जाए, उस दी अंतर आत्मा विचों सच की आवाज़ निकलती है, परमेश्वर तू मेरा ते मैं तेरा। महाराज राजयां दा राजा शेर सिंह, सारे संसार नू पै विच रखण वाली सम्राट ताकत विष्णु, आप ही प्रभु प्रित पालक बणदा, आप ही पालनहार है। भगवान दी जय, उस पुरख अकाल दी सदा ही जय हुंदी है, जो निर्गुण है, निरंकार है, निर्वैर है, जोत स्वरूप है, शब्द दी तार है, आज जगात सत ते सच है, उस परमात्मा दी सदा ही जय हुंदी है। इस शब्दी जयकारे नू पंज वार बोलिया जांदा है। पंज वार ही क्यों बोलिया जांदा? पंचम शब्द दे मालक ने मात लोक विच निवेकली खेल कीती। पंजां तत्तां ने परमात्मा अगे अरदास कीती, अरजोई कीती, बेनती कीती कि हे अकाल पुरख, असी संसार दे विच आउने हाँ, जन्म लैंदे हाँ, संसार चों चले जांदे हाँ, असी 84 दे गेट दे विच घूमदे हाँ, साडी तत्तां दी पुकार ते अज तक किसे ने सुनी ही नहीं। परमेश्वर ने पंजां तत्तां दी पुकार नू सुन लिया, पंजां तत्तां नू लेखे लाउण वास्ते कि जो भी जीव जां भगत आत्मा इस शब्दी जयकारे नू अपनी रसना नाल एक बार भी बोल लेगा, उसने दोबारा 84 लाख जूनी विच आउणा ही नहीं। यही समर्थ दी वड्याई है कि परमेश्वर युगो युग भगतां नू तारदा है, ते तारन लग्या परमेश्वर कदी कोई वितकरा नहीं करता। एहो जिहा परमेश्वर जुग चौकड़ी कदे नहीं आउंदा जो बिन सद्या पुछिया पार लंघाईया, किसे नू पुछिया नहीं,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਨ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਤਰ ਕਦੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਦੁਬਾਰਾ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਰਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੇਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਉਡੀਕ, ਲੱਭਿਆ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਖੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਖੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਜਾਂ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਬਿਨ ਤੀਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀਰ ਦਾ ਵਿਦਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਪਹਿਚਾਣ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾਈ। ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਕ ਦਰਸਾਈ ਆ। ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਆਂਡਾ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਕ ਕਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਭਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾ
एक अजिहा रूप दे दिता कि गुरसिख पुकारदा है अपने पार ब्रह्म नूं, हे परमेश्वर तू मेरा ते मैं तेरा, ते परमेश्वर कहिंदे ऐ आत्मा तू मेरी है ते मेरी ही रहना। इस तरह ही सर्ब हर संगत जी परमेश्वर ने हर बाणी दे विच हजूर शहनशाह जी तेई पादरों शहनशाही समत अठ नू पहली विदेश यात्रा दे विच जदों कैले तो डोवर वास्ते फैरी विच बैठ गए हजूर शहनशाह जी ने, ज्यों ही फैरी दे विच बैठे विहार शुरू हो गया। विहार बहुत लंबा सी, तकरीबन डेढ़ दो घंटे का जिन्हों का सफ़र सी उन्ना चिर विहार हुंदा रहा। सफ़र समाप्ति तो कुछ मिनट बाद ही हजूर शहनशाह जी एक अजिहे रूप दे विच फरमान दिता कि जो फैरी जिस दे विच परमेश्वर ने अपने पवित्र चरणा की छोह दिती, फैरी ने कहा कि मेरे ते मेरा परमात्मा फेरी पाउण आया है, अज मेरे भी तन पाग ने। उस वक्त हजूर शहनशाह जी ने हर बाणी का फरमान किया, जोत कहे मेरा पूर्ण इष्टा इष्ट देव अखवाइया, अकाल पुरख दी निर्गुण जोत ओ सत स्वरूप दी तार, जेड़ी जन्म मरण विच कदी नहीं आई ओ अपना हुक्म दे रही है कि मेरा सच्चा इष्ट जेड़ा है मेरा है, और मेरा आद अंता इष्ट केड़ा जेड़ा कदी नाश नहीं हुंदा, मेरा मार्ग सदा विशिष्टा, मेरा जेड़ा मार्ग है रस्ता है पंथ है वो मेरा अच्छा उत्तम ते श्रेष्ठ है, जिसनु कदी कोई तब्दील नहीं कर सकता, मैं विशेष अपने विच्चों ही प्रगटाइया, मैं किसे दा सहारा नहीं तकिया। सर्ब हर संगत जी परमात्मा कदी किसे दा सहारा नहीं तकदा, मैं किसे दा सहारा नहीं तकिया, अकाल पुरख कह रहा मेरा मार्ग जो है वह एडा गुणा दा भरपूर है कि मैं विशेष ताई दा उच्चा सुच्चा दर है, मैं कदी किसे तो मंगया ही नहीं, मैं कदी किसे तो नहीं मंगया, मैं अपने आप किसे दे विच ए ताकत नहीं कि वह किसे नू समझा सके, मेरा आद आद अंत दा लेखा इक दा है, मैं आद विच भी हाँ एक हाँ, मध विच मेरा खेल चल रहा है, जुगा परवान उदों भी एक हाँ, ते मैं अखीर विच भी एक हाँ, एक ही रहांगा, मैं एक हाँ ते एक ही रहांगा, एक कमकार हो के अपना हुक्म वरताइया, मैं की करदा हाँ, मैं एक होण दी हैसियत विच मैं एक हाँ। सर्ब हर संगत जी ये परमेश्वर दे अपने पवित्र रसना तो कीते हुए अर्थ ने। यह विहार फैरी दे विच होया तकरीबन पौने दो घंटे, एक घंटा चाली मिनट तक हजूर शहनशाह जी ने आप ही इस हर बाणी दे अर्थ कीते, क्योंकि हजूर शहनशाह जी ने उस लेख नूं पूरा कीता जिस धरती का लेख हुंदा, बिना लेख तो परमेश्वर अपने चरणा दी छो किसे धरती नूं दिंदे ही नहीं। राजे बल ते बावन दी गाथा नूं पूरा करन वास्ते हजूर शहनशाह जी ने एक अजिहे रूप दे विच दस्या कि जदों असमेध जग होया राजे बल ते बावन दी ओह गाथा चलदी है। सर्ब हर संगत जी लेख लंबा, मैं दो चार लाइनां 'च खत्म करूँगी। असमेध जग नूं प्रवान नहीं कीता गया, उस दे विच जो रिशी ते मुनि सी 1387 ओह परमेश्वर ने हुण जम्मू हर संगत नूं माण दे दिता कि सतयुग दे रिशियो मुनियो तपस्वियो योगी सूफियो संतो। सर्ब हर संगत जी ये परमेश्वर ने माण सारे तुहानूं ही जम्मू संगत नूं दे दिते। उस वक्त जदों प्रशादे नूं भोग नहीं लग्या,
ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦਾ ਜੱਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੱਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਤਾ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਬੱਝੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਵਨ ਜੀ ਬਲ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਨਿਜੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਵਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਵਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 28 ਕਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਲਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਵਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਬਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? 28 ਕਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਡੋਬਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਡੋਬਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਤੇਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਤੇਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਵਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਮੇਧ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਵਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 28 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਵਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਪਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਪਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੇਖ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, 3.5 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 1.25 ਇੰਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਬਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਕੰਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਤਰਨੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਮਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਚਰਨਾ ਚਰਨੋਦ ਚੁਆਇਆ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ, ਤਰਨੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੋਮ ਰੋਮਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁੱਕੀ ਦੋਮ ਸੋਮਦੀ, ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਸੁਹਾਈ ਹੋਮਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਤ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सत कैंटे मरे माफ करना सत्ता गुरमुखा ने एक ही कैंटे अपनी रसना अन्न नहीं सी लगाया। जिन्ना चेर हुक्म नहीं मिलया उन्ना चेर अन्न नहीं छकया। जदों कन्ना परमेश्वर दे चरणा नू लग्या चरणा तो बाद हजूर शहनशाह जी ने हुक्म दिता कि इस कन्ने नू लंगर दे नाल छुहाया जावे। उस तो बाद सरबहर संगत जी भगतां नू हुक्म देता कि हुण तुसी लंगर छक लो। कन्ना कह मैं रूप बनाया सुनहरी मैनू सोने दिती वड़े आईया मैनू तार के चलिया विच बेड़े बैरी समुंद सागरा पांद मुकाईया तकिया किसे ना शहरी शहनशाह अपने विच टकाईया पार कंडे मैनू कढ़ के सत्ता गुरमुखा फड़ के प्रभ दे चरना करी ना टेरी जिमी उत्ते ना कोए शुहाइया फेर नौ वेरा नमस्कार करनी इको वारी वेरवा विच ना कोए रखाइया। फिर सारिया गुरसिखा नू हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया कि तुसी सारिया ने नौ वार इक्के वार नमस्कार करनी क्योंकि परमात्मा दा हुक्म फरमान हुक्म है इस नू कोई इधर उधर नहीं कर सकता। सरबहर संगत जी उस वक्त हजूर शहनशाह जी ने एक अजिहे रूप दे विच खेल कीती तेई पादो तो लैके तकरीबन 80 महीने तक हजूर शहनशाह जी कोई 25 के 26 दिन लई इंग्लैंड दी धरती ते ही रहे। हुण पादो महीना की कह रहा कि मेरे ते परमात्मा आया कुशा दीप दे विच अपने आके चरणा दी छोह दित्ती इंग्लैंड कुशा दीप दे विच आउंदा है ते हजूर शहनशाह जी ने इत्थे कुशा दीप दी मंग दे आधार ते काला बस्तर भी इस धरती ते पहनिया सी। पादरों के मेरा परविष्टा आया सताई सर गुण तार दुआ सत नाल मिल के वजे वधाइया सतगुर शब्द खेल खलाई करता पूरख बे परवाह अपने नाल मला या जन पगिता मेला मिलया चाई जन पगिता मेला मिलया चाई चौक नेरा इक दर साइया ओ लेना देना पूरा करे। सताई पादों कह रहा कि परमात्मा अपना लेना देना पूरा करेगा ओ लेना देना पूरा करे ब्रह्मंडन ब्रह्मांड खोज खुजाइया। सताई पादों कह के परमात्मा जो ब्रह्मंडा खंडा दा मालक है वो लेना देना पूरा करेगा। वो किहो जिहा परमात्मा सी जिसने कुशा दीप दी धरती ते अपने पवित्र चरणा दी छोह दित्ती। फिर सताई पादों की कह रहा कि मैं हैरान हो गया हाँ मेरे अंदर हैरानी आ गई है। मैं हैरान हो के तकिया ओ ज्योति जाता पुरख बिदाता ओ ज्योति जाता पुरख बिदाता नूर नराना शाह सुल्ताना ज्योत शब्दी तार ज्योत शब्द दी तार फिरे जगत दे लंदन पेवे अपेद आप खलाइया। सरबहर संग जी परमात्मा ज्योति जाता पुरख बदाता नूर नराना शाह सुल्ताना ज्योत शब्द दी तार हो के फिरे जगत दे विच लंदन। वो परमात्मा जिसने अपनी शो कुशा दीप दे विच
अजिहे रूप विच चरणा दी छोह दित्ती जिसका लेख पूरा करन वास्ते, क्योंकि धरती नूं प्यास सी, जुगां तो प्यासी धरती दी खाश नूं पूरा कीता। कदी धरती बोली नहीं सी, कदी मिट्टी खाक बोल नहीं सी सकदी, प्रभु दी आमते धरती बोल उठी, उठो जन भगतो, प्रभु दा करो दर्स, परमात्मा दा दर्स कर लो। क्योंकि धरती ने कहा कि परमेश्वर इसे इन्हें ही हर बाणियाँ इंग्लैंड दे है। धरती कहती कि मैं अपनी रसना कभी बोली ही नहीं सी, मैं तो मिट्टी खाक मैं तो बोल सकती नहीं, पर प्रभु दी आमद ते मैं बोल उठी कि अज मेरे तन पाग ने कि परमेश्वर तेरे चरणा दी छो मैनू मिल गई। मैं हैरान हो के तकिया ओ ज्योति जाता पुरख विदाता, नूर नराना शाह सुल्ताना, ज्योत शब्दी तार फिरे जगत दे लंदन, पेव अपेद आप खुलाइया जन भगता, तुरदी दात वड करा मात, नाम निधान आया वंडन, वस्ती अवरी न कोए जनाइया, काया माटी पांज तात वजूद खाक आया रंगन, रंगती अगम रंगाइया, ज्योति ज्योत स्वरूपी हारे आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हार, सच दा हुक्म इक वर ताइया, पादरों के मेरा सताही दिवस दियाड़ा, दियोड़ी सी सनवाइया, मेरा लेख लिखिया, मेरा लेख लिखिया, वेद व्यास बह के वेची उजाड़ा, भविखत पुराण दे गवाहिया। सताई पादो कह रहा कि मेरा लेख वेद व्यास जी ने लिखिया अजाड़ा च बह के, क्योंकि सर्ब हर संगत जी सब तो वड्डा खुलासा वेद व्यास जी ने परमेश्वर दी आमद बारे कीता कि वह परमात्मा संसार दे विच अपना प्रगटावा करेगा, वह परमात्मा ज्योत शब्द दी तार दे नाल आवेगा, वह परमात्मा सब दे लैने देने पूरे करेगा। वेद व्यास जी ने सब तो वड्डा खुलासा परमेश्वर दी आमद बारे कीता। हजूर शहनशाह जी ने एक ही लाइन होर पढ़ूंगी, नहीं भाजी सो स्वामी अंतरजामी कट निवासी, पुरख बनाची खेले खेल विच संसारा, सहसा जगत ना कोई रखाइया, कुदरत दा कादर करनी दा करता, बे ऐ परविदगारा पत परमेश्वर बेपरवाहिया। सर्ब हर संग जी पत परमेश्वर बेपरवाह ने अपनी खेल कीती केहो जे रूप दे विच कीती कि ओ परमात्मा जिसने अपनी खेल नू एक नवेकला रूप देन वास्ते विदेशती धरती ते इत्थों दे लेख नू पूरियां कीता। हजूर शहनशाह जी ने हुक्म दिता, फरमान दिता कि गुरमुखो ये वो रूप है जिसनू वेद व्यास जी ने बड़े खुलासे नाल कह रहा कि वह परमात्मा है जिसने संदेशा दिता कान कृष्ण उत्ते जमना, गंगा गोदावरी सरस्ती आया समझाइया, ओ रूप तार गौड़ ब्रह्मणा पार ब्रह्म प्रभ अपना फेरा पाइया, जिसनू सीता राम रामे सत करके मनना सिर सके ना कोई अठाइया। ओ परमात्मा जिस दी संसार दे विच कोई सिफत कर सकता नहीं सी। सर्ब हर संगत जी ये वो परमात्मा दी खेल है कि जिन्हां नूं कोई अपनी रसना जेवा दे नाल कथ भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो परमात्मा सी जिहड़ा रावी दे कंढे गया ते रावी ते कंढे अपना विहार कीता, ते पादरों सताई पादरों उस वक्त कह रहा ये ओह ते नहीं परमात्मा आ गया जिहड़ा रावी दे कंढे सी। सर्ब हर संगत जी परमात्मा परमात्मा है, परमेश्वर दा
कोई बराबरता कर सकता नहीं। परमात्मा नू परमात्मा करके मनना, अपने होमे हंकार नू प्रभु दे चरणा दे विच रख के अपना निर्माणता दा पक्ष लै लेना। सरभर संगत जी अजिहे लेख जिन्हां नू अखां नाल देखिया कि परमेश्वर ने तुरे जांदे राइयां नू तारिया, परमेश्वर ते सिर्फ कृपा ते बख्शिश कीती, परमात्मा दी कीती होई कृपा ते बख्शिश ते रहमत नू कदी किसे अल्फाजां दे विच कलमबंद नहीं कीता जा सकदा। इस करके सरभर संगत जी अज लोड़ है प्रभु दे चरणा दी शरण दे विच रहण दा, अज लोड़ है प्रभु दे हुक्म नू मनण दा, क्योंकि जेकर परमेश्वर दा हुक्म मनदे हाँ ते उस दे विच सारा कुछ आ जाता है। हजूर शहनशाह जी ने कहा कि गुरमुखो मेरे दर्शन एक ऐसे रूप विच कर लेना, तेरा दर्शन कीतिया दीन दुनी तर जावे, माला मणके दी लोड़ रहे ना राइया, बहुती सिक्खी नालों थोड़ी सिक्खी चंगी जो सिक्ख्या विच रखाई आ। परमेश्वर ने कहा मैनू बहुत थोड़ी सिक्खी चाहिए जिसनों मैं अपनी सिक्ख्या दे विच रखा, क्योंकि परमेश्वर की सिक्ख्या दे उपर चलना बड़ा कठिन तो कठिन है, परमात्मा दी तार दे विच रहना बड़ा कठिन है। इस वक्त नू लेना संभाल, परमेश्वर दा फरमान, इस वक्त नू लेना संभाल, संभल विच लेखा पूर कराइया, तेरी पूरी करनी काल काल सब दी लेखे लाइया। सरभर संगत जी कन्ना की कह रहा उस वक्त कि परमात्मा दा रूप की है, कन्ना कहे मेरे सतगुर तू मुर्दे दे जवाल, तू मुरद्यां नू जवाल सकना, जन्म मरन विचों बदलाइया, मेरा लेखा अगों लिखना होवे बेमिसाल, जिस दी मिसल ना कोई रखाइया, हर जन गुरमुख तेरे अगे पिछे सज्जे खब्बे रहनगे नाल, चलन चाई चाइया गुट ते बद्दा होवेगा चिट्टा रमाल, रोमन कैथोलिक दोवें वेख विखाइया। सरभर संगत जी इस दे नाल ही हजूर शहनशाही दे चरणा पासों खिमा चाहुंदी हाँ कि परमात्मा ने जे मिलिया तो इस वक्त नू कदी अजाई ना गवायो। परमात्मा कदी किसे नू मिलदा नहीं, परमात्मा तुहानू साखात मिलिया, क्योंकि इस तो बिना साखात बैठिया नहीं देखिया किसे उपर पलंग, पहली बार मौत लुक भी देखा, जो सामने बह के करे बचन बच्चियां वांग गोद उठाइया, जिन्ना चिर दर्शन ना करिए अखीं कथा सुन के मन ना कोई परचाइया। इस दे नाल ही मैं परमेश्वर दे चरणा पासों खिमा मांगदी हां। सो महाराज शेर सिंह विष्णु